नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण के द जीजेडी शो में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर, सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में आज दोपहर को जूता बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से भयंकर आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन घंटों बीत जाने तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। आप देख सकते हैं कि सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में एक्सो फुटवेयर 34A नामक कंपनी में इस समय भयानक आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भयानक धुआं होने की वजह से आग पर काबू पाने में भारी परेशानी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहां आसपास के फैक्ट्रियों में कर्मचारी भी फैक्ट्रियों में रखे हुए कुछ सामान को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि फैक्ट्री के चारों हिस्सों में आग लगी हुई है। आग इतनी भयावह है कि यह फैक्ट्री कभी भी गिरकर धराशायी हो सकती है। आग पर काबू पाने के लिए सोनीपत के अतिरिक्त दिल्ली पानीपत से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं। फिलहाल यहां मौके पर 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आइए हम आपसे आपकी बात करवाते हैं फायरमैन नरेश कुमार से। ये अचानक पता नहीं शॉर्ट सर्किट से कैसे लगी है और धुआं काफी है, इसके अंदर पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है। 7-8 गाड़ियां मौके पर है। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, काबू पाने का धुआं जो है परेशान कर रहा है। इस चीज की वजह से धुएं है, वो रबड़ है। 16 गाड़ी है, पानीपत से भी गाड़ी मंगाई हुई है, अभी गई एक आधी तो दिल्ली से भी, कोलकाता है वहाँ से भी आने लग गई है। कितने एरिया में आग है? पूरी फैक्ट्री में ही आग है, बेसमेंट में भी आग है और 30 मंजिल तक आग लगी हुई है। दीवारों में तदेट भी आ चुकी है, किसी भी टाइम नीचे धस सकती है दीवार। यहाँ इस कुंडली के औद्योगिक क्षेत्र में भयानक आग लगने की वजह से आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचने का डर अब बन चुका है। फिलहाल किसी भी कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है, केवल एक फायर कर्मी को मामूली सी चोट जरूर आई है, लेकिन सब सुरक्षित है। तो आप बने रहिए दोस्तों, जीजेडी न्यूज पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेंगी। मैं अजीत कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।